हेलो नमस्कार, नमाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बोनस अंक को लेकर। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि अब अतिथि शिक्षकों को जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें 25 बोनस अंक दिए जाएंगे। जो उच्च शिक्षा विभाग में दिए गए हैं वो अब अतिथि शिक्षकों को भी दिए जाएंगे, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति सोमवार से प्रारंभ हो चुकी है ज्वाइनिंग, और जल्द ही अतिथि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कर लिया गया है। DPI आयुक्त ने बोला है और जिनको भी समस्या है उसका समाधान किया जा रहा है। 30% वालों को, नॉन डीएड बीएड वालों को पद शो नहीं हो रहे, कहीं पद जीरो दिख रहे हैं, किसी का रिजल्ट अच्छा है लेकिन उसमें रिजल्ट गलत दिख रहा है, तो इस सभी समस्याओं का समाधान किया गया है। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। रविकांत गुप्ता जी ने क्या कहा है, इनकी DPI में बात हुई है आयुक्त मैडम से, तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा लाइव वार्ता सुनाने वाला। वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे अपडेट पाने के लिए। ज्वाइनिंग प्रक्रिया बंद हुई है, वो चालू कब होगी? आज रिक्त पद संबंधित लगभग वर्ग एक और दो तीनों के संबंध में सर को बताया गया कि रिक्त पद क्यों बंद हुए हैं। जैसे कि उच्च पद प्रभार से किसी शिक्षक द्वारा चॉइस फिलिंग किया गया और वहां पे असहमत दे दी गई, अब वो पद नहीं खुल पा रहा है। दूसरा था कि वर्ग एक उच्च पद प्रभार में बीएड की जगह पर उसका डीएड था, इस कारण से उसे असहमत देना पड़ा, ज्वाइन नहीं कर पाया। उच्च पद प्रभार या नई भर्ती के लिए जो पद रिजर्व कर लिए गए हैं, शाला में किसी विषय का नियमित शिक्षक उपलब्ध है या और वहां पर वही पद दिखना शुरू हो गया, मतलब उसी पद को दो बार खोल दिया गया है। अब जरूरत एक की थी पर दो बार खोल दिया गया है। शाला में जिस विषय के छात्र नामांकन नहीं है, मतलब कोई विषय ऐसी है जैसे मान लो भूगोल के बच्चे ही नहीं है और वहां पे खोल दिया गया है भूगोल, जरूरत वहां पे थी पॉलिटिक्स की, इकोनॉमिक्स की या अदर सब्जेक्ट की, पर खुल गया है भूगोल। इन सब के लिए आज सर से चर्चा हुई है और जल्दी कहा गया है कि इन पे विचार करके जल्दी ये वैकेंसियां खोली जाएंगी। साथ में वर्ग दो के लिए थी, वर्ग दो में ऐसी जगह पर जहां पे सेम था चॉइस फिलिंग के बाद असहमति दी गई, वो पद बंद हो गए हैं। छात्र संख्या अधिक है पर पद प्रदर्शित नहीं हो पा रहे, जैसे हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, सबसे ज्यादा समस्या हिंदी, संस्कृत और सोशल में हो रहा है। जो पद रिजर्व कर लिए गए थे और शाला में किसी विषय का नियमित शिक्षक उपलब्ध होने पर भी वही विषय आ रहा है। वर्ग तीन के लिए खासतौर पर जो एक शिक्षक की शाला है उनके लिए कि उनके पदे वहां पे आवश्यक, क्योंकि जो RTE नियम है, RTE रूल के अनुसार आपको प्राइमरी शिक्षक, प्राइमरी में तीन शिक्षक अनिवार्य होते हैं, दो शिक्षक अनिवार्य होते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे शालाएं हैं जहां पर एक शिक्षक होने के बाद भी पद नहीं खोले गए थे। आज उनकी लिस्ट दी गई है, उनके डाइस कोड ही देते हैं हम लोग, क्योंकि लिस्ट किसी भी स्कूल का नाम और डाइस कोड दिया जाता है, क्योंकि हम लोग अतिथि शिक्षकों के नाम पे पद खोलने के आवेदन नहीं दे सकते। और कुछ स्कूल ऐसे थे जहाँ पे छात्र संख्याएं ज्यादा थी और शिक्षक वहाँ पे कम है, फिर भी पद वहाँ पे नहीं खुल पाया है, ऐसे स्कूलों के संबंध में भी आज लिस्ट सौंपी गई है सर को। 30% वालों में से गौरव भार्गव अगर सुन रहे हैं मुझे, मुझसे तुरंत संपर्क करें, राजेश दांगी, दिनेश नगोरिया, अभय कुमार जैन और अंजलि उपाध्याय, ये लोग अगर सुन रहे हैं मुझे तत्काल संपर्क करें, कि इन लोगों का आज मैं लेके गया था। इन लोगों का कहना है कि रिजल्ट इनका 30% से अधिक है, लेकिन जब ये ज्वाइन कर रहे हैं तो इनका रिजल्ट 30% से कम दिखा रहा है। तो आज इसे जब चेक करवाया गया DPI में, तो इन जो DPI में रिजल्ट आया है इनका, तो इनका रिजल्ट एक्चुअल में 30% से कम है। तो ये लोग जरूर संपर्क करें। अब जो समस्या एक ये हो रही है कि पोर्टल में दिस फैकल्टी हैज बीन क्लोज्ड लिख के आ रहा है, ये कब ओपन होगी, ये एक बड़ा सवाल है।
तो मैं आप लोगों से स्पष्ट कर दूं आज कि जब आप लोगों की जो समस्याएं थी, जैसे कि बहुत सारे लोगों के इसमें लिख के आ रहा है, आज मैंने करीब 50 से 60 लोगों का दिया भी था लिस्ट बना करके पूरा, कि इन लोगों का आवेदन लगा करके कि इन लोगों के अभी तक भी ज्वाइन नहीं हो पाई है, ये बड़े पूर्व से कार्यरत हैं, जैसे कि इस साल द्वारा तैयार पैनल में ऑनलाइन मेरिट सूची में आपको जोड़ा नहीं गया है, या संकुल द्वारा तैयार पैनल में ऑनलाइन या तैयार पैनल में स्कोर कार्ड मेरिट के आधार पर वर्तमान 7-24-25 है ज्वाइनिंग है तो आपको अनुमति नहीं है, या और भी कई समस्याएं आ रही थी, इन सब लोगों के आवेदन आज हमने दिए हैं सर को, और ये कहा गया है उनके द्वारा कि जब इन सभी समस्याओं को सॉल्व कर लेंगे इसके बाद पूर्व से कार्यरतों के लिए एक दिन के लिए हम पोर्टल खोलेंगे, जो लॉन्ग टर्म वालों की ज्वाइनिंग अभी हो रही है जिनको मौका दिया गया है उनके लिए एक दिन पोर्टल खुलेगा, और तत्काल जैसे ही उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा इसके बाद वो पोर्टल बंद करके नई ज्वाइनिंग शुरू करवा देंगे। नई ज्वाइनिंग जल्दी आप लोगों को जैसे ही अनुभव के अंक जुड़ते हैं आपकी स्कोर कार्ड में, जैसे ही आपका स्कोर कार्ड अपडेट होता है उसके तत्काल बाद आपकी नई ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। एक बात और है कि सब लोगों का कहना एक ये है कि 25 अंक हट गए हैं, बहुत लोगों को समस्याएं हो रही हैं कि 25 अंक क्यों हटवा दिया गया, जिनको मिले थे वो तो बहुत खुश थे पर जिनको नहीं मिले थे उनका क्या, पहली बात। दूसरी, एक तरफ हम चिल्ला रहे हैं रोज की सजो मुख्यमंत्री जी ने महापंचायत में घोषणा की है उसके आदेश लागू किए जाएं, तो भाई एक बात कान खोल के सुन लो आप लोग जो चिल्ला रहे हो 25 अंक के लिए, तो आप जाके सीएम की जो घोषणाएं हुई थी उनको ध्यान से सुनना, उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला है कि उच्च शिक्षा के भांति जिनका भी उच्च शिक्षा की भांति अतिथि शिक्षकों को अगली भर्ती में बोनस अंक दिया जाएगा। हमने प्रयास ये किया था कि जो 25 अंक मिले हैं वो कुछ लोगों को मिले हैं, सभी को नहीं मिले थे, तो हम ये चाहते थे कि प्रति वर्ष 10 अंक हमें मिले, अधिकतम 100 अंक मिले अनुभव के, जिससे हमारा जो वरिष्ठ साथी अनुभवी साथी हैं उन्हें मौका मिले। लेकिन जब अधिकारियों ने हमारी महापंचायत की बात को उठाई, अधिकारियों के सामने बैठ के 1-to-1 और फाइल में जब जो लिख के जो उनके पास कागजात हैं, जो पेपर ऑन पेपर है उस पर बात करना बहुत अंतर होता है। इसलिए जो कमेंट करते रहते हैं 25 नंबर क्यों हटवा दिए, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, तो हमने 25 अंक हटाने की बात की थी और वहां पे 10 अंक पर ईयर अधिकतम 100 अंक की बात किया गया था। लेकिन जब मुख्यमंत्री की घोषणा को देखा गया उसमें मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आप जो लोग उच्च शिक्षा की बात आपको अनुभव के अंक मिलेंगे, तो उच्च शिक्षा वालों को 20 अंक स्कोर कार्ड में मिले हैं, उसी प्रकार उनको जो मेन पीएससी की भर्ती हुई है उसमें भी शायद 20 अंक मिले हैं, उसका भी पेपर मैं निकलवा रहा हूं, हमने उसके लिए आरटीआई लगा दी है। उस सर ने कहा है कि जो जो उनको मिला होगा लाभ वो लाभ आपको वो सभी लाभ आपको प्रदान किए जाएंगे, और इसमें भी जरूरी नहीं है कि सबको 20 अंक मिल जाएंगे, जो जितने वर्ष काम किया होगा, जो अधिकतम 10 साल किया होगा वही लोग ही 20 अंक पा पाएंगे, क्योंकि उसमें दिन के हिसाब से अंक मिलेंगे। एक सत्र में जिनके वर्किंग डे 0 से लेकर के कितना था, 59 था ना, 49 49 है शायद, मैंने आदेश कहीं रखा है यार, जीरो से 49 है शायद एक अंक है, और इसके बाद 49 से 89 तक 2 अंक है, और नहीं 0 से 89 एक अंक है, 89 से 119 2 अंक है, और 119 से 149 तक 3 अंक है, जब 150 के ऊपर जाओगे तभी आपको पूरे 4 अंक मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सत्र में तो 150 दिन पूरे नहीं हो पाते, तो जो जितना जिसका अधिक अनुभव होगा उसको ही 20 अंक मिल पाएंगे, और जल्दी आपकी स्कोर कार्ड अपडेट होकर के नई भर्ती के लिए मौका मिलेगा। और जिसको बहुत दिक्कत हो रही है 25 अंक से, भैया आप भी